आज हम लोग समय स्थिति ग्राह पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि दो वस्तु ए तथा बी के समय स्थिति ग्राफ इस चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। तो आपको बतलाना है कि किस वस्तु का वेग अधिक होगा, ए का कि बी का। तो आपको पता है कि समय स्थिति ग्राफ में रेखा के ढाल से वस्तु का वेग प्राप्त होता है, और इस ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ बी का ढाल ए की अपेक्षा अधिक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि ढाल से ही वेग प्राप्त होता है और यहाँ बी की ढाल ए से अधिक है। अब ढाल का कैसे कंफर्मेशन किया जाए कि ढाल अधिक है कि कम है? तो यहाँ ढाल का तात्पर्य कोण से है। हमने कहा कि ढाल का तात्पर्य कोण से होता है, जब कोण अधिक होगा तो ढाल भी अधिक होगा। और आप देख रहे हैं कि बी के लिए कोण अधिक है, और कोण अधिक होने का मतलब ढाल भी अधिक है, और यदि ढाल अधिक है तो कहा जा सकता है कि बी का वेग ए की अपेक्षा अधिक होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि दो वस्तु ए तथा बी के समय स्थिति ग्राफ इस चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, तो उनके वेग के अनुपात का मान क्या होगा? कहा जा सकता है कि द टाइम पोजीशन ग्राफ फॉर टू पार्टिकल फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज शोन इन द गिवन डायग्राम, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट। तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि समय स्थिति ग्राफ में रेखा के ढाल से वस्तु का वेग प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि पिंड ए का वेग बराबर tan थीटा ए। ढाल चूंकि tan थीटा से ही जुड़ा होता है, तो पिंड ए का वेग बराबर tan थीटा ए। और उसी तरह से कहा जा सकता है कि पिंड बी का वेग बराबर tan थीटा बी। पहले वाले को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरे वाले को मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, और यदि भाग दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू। और यदि हम लोग इस चित्र पर ध्यान से देखें, इस चित्र पर विचार किया जाए, तो लिखा जा सकता है कि थीटा ए इज इक्वल टू 30 डिग्री वेयर एज थीटा बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यदि हम लोग दोनों के वैल्यू को लिख दें तो लिख सकते हैं कि वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू टेन 30 बाई टेन 60। और यदि वैल्यू लिख दिया जाए तो लिखा जा सकता है टेन 30 के जगह 1 बाई रूट 3, और नीचे टेन 60 है तो रूट 3। और यदि सॉल्व किया जाए तो नीचे लिखा जा सकता है कि 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3, यानी यहाँ से आंसर आया 1 बाई 3। तो हम लोगों ने देखा कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू 1:3। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि एक वस्तु का समय स्थिति ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें समय को सेकेंड में तथा वस्तु के स्थिति को मीटर में प्रदर्शित किया गया है, और इस समय स्थिति ग्राफ से निकालना है 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का वेग। तो भाई आपको पहले ही समझाया जा चुका है, आपको पता है कि समय स्थिति ग्राफ में रेखा के ढाल से ही वस्तु का वेग प्राप्त होता है। तो कहा जा सकता है कि वस्तु का वेग बराबर रेखा OB की ढाल। और यदि ढाल की बात की जाए तो जब यह 36 से थीटा कोण बनाता है तो वस्तु का वेग बराबर tan थीटा। और इस त्रिभुज पर हम लोग विचार करें तो आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई OC। अब यहाँ हम लोग BC की बात करेंगे तो इसका उच्चतम मान 20 पर, जबकि निम्नतम मान 0 पर। तो BC का लंबाई हो गया 20-0, जबकि OC की हम लोग बात करेंगे तो इसका अधिकतम मान 10, जबकि न्यूनतम मान 0, यानी OC का मान हो गया 10-0। और यदि दोनों वैल्यू को लिख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 20-0/10-0। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/1, यानी यहाँ से आपका आंसर आ चुका है tan थीटा इज इक्वल टू 2। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि एक वस्तु का समय स्थिति ग्राफ इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है,
जहां समय सेकंड में तथा वस्तु की स्थिति मीटर में है, तो आपको निकालना है 5 से 10 सेकंड के बीच वस्तु का वेग। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई पता है कि समय स्थिति ग्राफ में रेखा के ढाल से ही वस्तु का वेग प्राप्त होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का वेग बराबर रेखा AB की ढाल। और ढाल का मतलब यदि यह क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाए तो ढाल के स्थान पर लिख सकते हैं tan थीटा, यानी वस्तु का वेग बराबर tan थीटा। और यदि हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो लिखा जा सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो भाई परपेंडिकुलर के जगह BC और बेस की जगह AC, यानी वस्तु का वेग बराबर BC बाय AC। आप देख रहे हैं। चलिए अब BC की बात की जाए तो वह से यदि दो रेखाओं को हम लोग वाई एक्स पर भेजें तो एक लाइन जा रही है 20 पर जबकि दूसरी लाइन जा रही है 10 पर, यानी इसका हाईएस्ट वैल्यू हो गया 20 और लोवेस्ट हो गया 10। तो यहाँ BC इज इक्वल टू 20 माइनस 10, जबकि AC की बात की जाए तो हाईएस्ट वैल्यू हो गया 10 जबकि लोवेस्ट वैल्यू हो गया 5, तो AC का वैल्यू हो गया 10 माइनस 5। यानी लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 20 माइनस 10 बाय 10 माइनस 5। और यदि सॉल्व किया जाए तो भी इज इक्वल टू 10 बाय 5। और यहाँ से कहा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वस्तु के वेग का मान आया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि इसी क्वेश्चन में दूसरे सेकेंड तीसरे सेकेंड किसी भी क्षण तात्क्षणिक वेग का मान पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि चूंकि यह समय स्थिति ग्राफ सीधी रेखा के रूप में है, और हम जानते हैं कि जब भी समय स्थिति ग्राफ सीधी रेखा के रूप में होता है तो वस्तु के तात्क्षणिक वेग का मान इसके औसत वेग के मान के बराबर होता है, यानी वस्तु का तात्क्षणिक वेग बराबर उसका औसत वेग। और चूंकि औसत वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो तात्क्षणिक वेग भी होगा 2 मीटर प्रति सेकंड।